जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि छुट्टी कब कब मिलती है सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल का सारा डिटेल मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ और अंदर के सीक्रेट्स भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो मुझे एक एक चीजें पता है जो बाहर के लोगों को शायद ना पता हो कि सैनिक स्कूल में क्या क्या होता है, कब कब छुट्टियां मिलती हैं, कैसे कैसे हम इंजॉय करते हैं। ये सारा का सारा डिटेल मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो एंड तक देखना ताकि सारा डिटेल सारा नॉलेज आपको सैनिक स्कूल के बारे में पता चल जाए। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं खुद सैनिक स्कूल में पढ़ा हूं। आपको डिटेल्स बताना शुरू करता हूं मैं। छुट्टियां मिलती हैं सैनिक स्कूल में संडे को, हर संडे छुट्टी रहती है नॉर्मल स्कूल्स की तरह, दैट इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद उससे भी बेस्ट थिंग है कि हर सैटरडे को इवनिंग में शाम को 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक 2-2.5 घंटे की मूवी चलती है। प्रोजेक्टर में सारे बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है ऑडिटोरियम में और प्रोजेक्टर लगा के बड़े से स्क्रीन में मूवी थिएटर की तरह मूवी दिखाते हैं हर हफ्ते, हर सैटरडे। और संडे को तो छुट्टी है ही। ये तो कैजुअल छुट्टियां होंगी। अब आते हैं त्योहारों की छुट्टियां पे। तो जैसे कि गांधी जयंती होता है या जैसे कि 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे है, तो ये जो नॉर्मल डेज हैं जिसमें हर स्कूल में कंपलसरी होती छुट्टी, वैसे ही सैनिक स्कूल में भी इन दिनों में छुट्टी मिलता है। हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल नहीं होता है, लेकिन बच्चों को परेड करना पड़ता है। बच्चों को जो परेड नहीं अटेंड, जो परेड में नहीं रहते हैं वो बैठ के देखते हैं, और बहुत बच्चे जो कल्चरल परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरीके से पार्टिसिपेशन जरूर होता है पर स्कूल की छुट्टी होती है। और पार्टिसिपेशन सुबह से होता है और सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक पूरा प्रोग्राम खत्म और फिर दिन भर की छुट्टी। और शाम को लगा देते हैं कोई सी अच्छी देशभक्ति वाली मूवी, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह वाला, या फिर ए वतन तुम्हारे हवाले, वतन साथियों करके एक जो मूवी है उसको लगा दिया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आर्मी की मूवीज लगा देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बट वो भी छुट्टी कंसिडर कर सकते हैं। फिर जैसे कि दिवाली आता है फॉर एग्जाम्पल, तो दिवाली होली इन सब में भी आपको छुट्टी दी जाती है। होली में छुट्टी होती है स्कूल की, बट आपको स्कूल में ही रहना रहता है और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ होली सेलिब्रेट करते हो। स्कूल की तरफ से आपको कलर्स दिए जाते हैं, स्कूल की तरफ से आपको पूरा ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप होली खेल सकते हैं, आपको स्वीट्स दी जाती हैं और साथ में आपको अलाउ होता है कि आप घर से भी कलर्स मंगवा सकते हैं अलग से, अगर आपको कलर की कमी पड़ रही है तो। और दिवाली में आपको पटाखे दिए जाते हैं स्कूल के साइड से, ऑल दो पर्सनली ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि आप घर से पटाखे ला सकते हो कि नहीं, पर कुछ बच्चे घर से भी पटाखे लेके आते हैं, बट बड़े बड़े बॉम्ब अलाउड नहीं है वहां पर फोड़ने के लिए। आप छोटे मोटे फुलझड़ी वगैरह या चकरी वगैरह जला सकते हो और वो सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ सैनिक स्कूल्स में स्पेशल डिमांड के बेसिस पे प्रिंसिपल की अगर मर्जी हो तो वो 2-3 दिन की छुट्टी बच्चों को दे देते हैं कि वो घर जाके वापस आ सकते हैं 2-3 दिन में। और नॉर्मली ऐसा होता है कि घर जाना अलाउड नहीं होता है, स्कूल में सेलिब्रेशन होता है, 1-2 दिन की छुट्टी रहती है दिवाली की, बाकी दिन नॉर्मल डेज चलते हैं। फिर असली बड़ी छुट्टियां आती हैं गर्मी की छुट्टियां और ठंडी की छुट्टियां, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि गर्मी की छुट्टी पूरी लंबी 2 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी रहती है। अलग अलग सैनिक स्कूल्स अलग अलग अमाउंट में देते हैं, कुछ लोग 50 दिन की छुट्टी देते हैं, कुछ सैनिक स्कूल 60 दिन की छुट्टी देते हैं, 60 मतलब 60। तो ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटी कि 1.5 से लेकर 2 मंथ की छुट्टी गर्मी में अवेलेबल होती है। होमवर्क्स बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा होमवर्क मिलते हैं, मैं मान रहा हूँ ये थोड़ा सा है लोड वाला बात, बट इतनी लंबी छुट्टी में मजा बहुत आता है क्योंकि आप घर इतने दिन बाद जाते हो तो घर वाले आपको पूरी फ्रीडम दे देते हैं कि हाय मेरा बच्चा तो इतना दूर रहता है, हाय मेरी बच्ची तो इतने दिन से बाहर है, तो जो करना है करो। और फिर दूसरी छुट्टी जो बड़ी छुट्टी है वो मिलती है आप लोगों को घर जाने के लिए, ठंडी की छुट्टी, जो कि 10 to 15 days की होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सैनिक स्कूल्स। और वो 10 to 15 days की जो छुट्टियां हैं दैट आर वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। क्यों? क्योंकि ठंडी के मौसम में आप घर जाओ, मस्त हीटर में आग तापो और गीजर में गर्म पानी से नहाओ। तो ये सारी की सारी छुट्टियां जो बेसिकली आपको शायद नहीं पता थी सैनिक स्कूल के बारे में, ये छुट्टियां वहां पर मिलती हैं। कुछ छुट्टियां हैं जो कॉमन है नॉर्मल स्कूल्स की तरह मिलती हैं, कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में मिलती हैं पर वहां पर आपको नहीं मिलेंगी। तो वो स्कूल स्कूल पे डिपेंड होता है कि प्रिंसिपल की कैसी इच्छा चल रही है, वो प्रिंसिपल की मर्जी के अकॉर्डिंगली छुट्टियां कम ज्यादा हो सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज जितनी छुट्टियां मैंने आपको गिनवाई हैं उतनी छुट्टियां हर सैनिक स्कूल में अवेलेबल होती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और जाने से पहले रुक जाओ, AISSEE 2023 का जो बैच लॉन्च हुआ है अभी, उसे प्लीज, वो जो फौजी बैच है उसे जाकर एक बार देखो, डिटेल्स उसके देखो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और फौजी बैच को क्लिक करो और देखो कि अगर आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है 2023 में तो आई वुड प्रेफर यू, मैं आपको रेफर करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो कोर्स, वो बैच ज्वाइन करें ताकि आपको हम लाइव
पढ़ा सकें गूगल मीट और जूम पे, प्लस हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकें, आपको क्वेश्चन पेपर दे सकें, सैंपल पेपर आपका हर मंथ टेस्ट ले सकें ऐप पर। तो ऐप को भी डाउनलोड कर लो, एडुमेंशन नाम का जो ऐप है हमारा उसे डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फौजी बैच के डिटेल्स के लिए जो वीडियो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर जाइए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।